सो अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, सेल साइकिल एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सो एवरीबॉडी इज हियर। ओके, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेल, वो जस्ट फॉर रिवीजन है और वो आपको बताया गया है वहां पर कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। वो बेसिक इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है आपकी सेल साइकिल एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे। हम लोग आज वो चैप्टर पढ़ेंगे जो टॉपिक एक्चुअली स्टार्टिंग से, मैं पूरे चैप्टर को एक बार आपको फिर से कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना फर्स्ट टॉपिक का, और किस तरीके से मैं शुरू करूंगा वो भी आपको मैं बता दूँ सीक्वेंस। लाइक दो फर्स्ट टॉपिक होएगा, आई विल टेल यू अबाउट डीएनए, सेकेंड टॉपिक विल टेल यू अबाउट क्रोमोसोम, एंड द लास्ट वन इज अबाउट सेल साइकिल। ये जो सीक्वेंस आपकी बुक में गिवन है वो शायद कुछ इस तरह से है। द फर्स्ट इज सेल साइकिल, द सेकेंड इज डीएनए, एंड द लास्ट इज क्रोमोसोम। इजंट इट बेटा, यस सर। कुछ इसी फॉर्मेट में आपका सीक्वेंस है। बट जो हम सीक्वेंस पढ़ेंगे, द फर्स्ट टॉपिक इज डीएनए, द सेकेंड वन इज अबाउट क्रोमोसोम, एंड द थर्ड वन इज अबाउट सेल साइकिल। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक आपका डीएनए से। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है डीएनए। डीएनए एक्चुअली, इसके बारे में अगर कुछ बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस करें कि न्यूक्लियस द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द सेल, आप जानते होंगे न्यूक्लियस कंट्रोलिंग बॉडी है सेल का। इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन सा बेटा? यस बेटा, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए एक्चुअली है क्या? इट इज डी ऑक्सी राइबो, यस बेटा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रोजालिन फ्रैंकलिन। कब पढ़ा था? यस बेटा, रोजालिन फ्रैंकलिन ने। बट इसका डिटेल जो मॉडल प्रेजेंट किया वो दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, जिम वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिनके लिए नाम दिया जाता है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, जिनके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, कब मिला था? 1960s में कुछ। ठीक है, 1962 में कुछ मिला था इनको। ठीक है, बात समझ आई बेटा? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? तो पहले अगर हम लोकेशन देखें तो हमें पता है सेल का कंट्रोलिंग बॉडी है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वन इज डीएनए, अदर इज आरएनए। हमें एक्चुअली पढ़ना है डीएनए, इसलिए डीएनए पिक किया हमने। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, द स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाई रोजालिन फ्रैंकलिन, बट द एग्जैक्ट मॉडल वॉज एक्सप्लेन्ड बाई हुम? वॉटसन एंड क्रिक, जिसके लिए मिला इनको क्या? नोबेल प्राइज। ओके बेटा, ओके, यस इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ठीक, सर। अब चलते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर। ठीक है, तो डीएनए कहते हैं हम लोग डीएनए को बोलते हैं इट इज डबल हेलिकल लॉन्ग चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो व्हाट इज डीएनए बेटा? इट इज डबल हेलिकल। आपको दिख रहा होगा बेटा, एक हेलिक्स ये, एक हेलिक्स ये, टू चेन दिख रही होंगी ना आपको, डबल हेलिकल चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे वर्ड आता है बेटा पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो प्रियांक, डू यू नो व्हाट इज पॉली न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड पता है सर, पॉली मेनी न्यूक्लियोटाइड। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है बेटा, मेनी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। फिर पूछा जाता है व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड बेटा? तो न्यूक्लियोटाइड जो पूछा जाता है बेटा, तो उसमें आप बताओगे कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। कौन कौन सा?
पेंटोस यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड. पेंटोज शुगर, नेक्स्ट फॉस्फेट आयन, यस, एंड नाइट्रोजिनस. यस बेटा, वेरी गुड. नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है. पेंटोज शुगर, फॉस्फेट आयन एंड नाइट्रोजिनस बेस. बेटा नाइट्रोजिनस बेस जो होता है आपका, दैट नाइट्रोजिनस बेस इज ऑफ टू काइंड, ठीक है. टू काइंड होती है बेटा, दो तरीके का होता है. द वन इज प्यूरिन, अनदर इज एडिन पिरिमिडीन. यस बेटा, जस्ट अ मिनट. पिरिमिडीन, ठीक है. पी वाई आर ई एम आई डी आई एन ई, पिरिमिडीन. प्यूरिन एंड पिरिमिडीन. ओके, प्यूरिन इज ऑफ अगेन टू काइंड, एडिनीन एंड ग्वानीन. ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, दिस इज एडिनीन एंड दिस इज ग्वानीन. एंड पिरिमिडीन इज ऑफ टू काइंड, थाइमीन एंड साइटोसिन. ओके बेटा, थाइमीन एंड साइटोसिन. तो ये बात समझ आई बेटा? पूछ रहता है बेटा सामिया कि व्हाट इज डीएनए. तो डीएनए इज डबल हेलिकल लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पूछा जाए आपसे व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, द आंसर इज मेनी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन पेंटोज शुगर, वन फॉस्फेट आयन एंड वन नाइट्रोजिनस बेस. अंडरस्टूड बेटा? अगेन नाइट्रोजनस बेस. सॉरी बेटा, एक बार फिर से बोलिए. यस, न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ डीएनए, सिंगल यूनिट ऑफ डीएनए. जैसे अगर इस चेन की बात करूं तो इस चेन पर यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट होगा, यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट होगा, एक यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट होगा, ठीक है. इस तरह से यहां पे एडजस्टमेंट होता है और ऐसे करते करते पूरा चेन ऊपर तक के जाता है. एडजस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, जस्ट अ मिनट. हाँ, एडजस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर आपकी बुक में गिवन है बेटा कि कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड का. तो ये ज्योमेट्री के हिसाब से कैसा फिगर है बेटा? पेंटागन. पेंटागन, ठीक है. तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है पेंटोज शुगर को. पेंटागन मीन्स पेंटोज शुगर. दिस रिप्रेजेंट्स पेंटोज शुगर, जिसके आउटसाइड पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया जाता है विच रिप्रेजेंट फॉस्फेट आयन. ओके, विच रिप्रेजेंट्स फॉस्फेट आयन. एंड इंटरनल साइड पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है एनी ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस. एनी ऑफ द मतलब वेदर इट इज ए, जी, टी और सी. ओके बेटा, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसमें कुछ चीजें याद रखने लायक हैं जो बहुत जरूरी आपकी हैं, जो मैं यहां पे कुछ मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि तो यहां पे शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं स्क्रीन पे ही मेंशन करूंगा. यहां पे जस्ट गिव मी अ मिनट. जो यहां पे मैं मेंशन करूंगा आपको, कुछ चीजें क्या करने वाली हैं वो ये कि हमेशा प्यूरीन वाला कंटेंट ही बॉन्ड बनाएगा पिरिमिडीन वाले कंटेंट से, ठीक है. जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. ओके, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर. हमेशा बॉन्डिंग किस में होगी? प्यूरीन एंड पिरिमिडीन में. ओके बेटा, सर यहाँ पे कहाँ पे लिखा है? जहां पे बेटा प्यूरीन विल ऑलवेज बॉन्ड विद पिरिमिडीन, ठीक है. और इसमें एक चीज याद रखने लायक बात हमारे लिए ये है जो कि हमेशा एडिनिन जो होगा, ए जो होगा, वो बॉन्ड करेगा हमेशा थाइमीन के साथ, या थाइमीन जो होगा वो बॉन्ड करेगा हमेशा एडिनिन के साथ. आप देख रहे हैं एक प्यूरीन है और एक पिरिमिडीन है, दिख रहा है बेटा, ठीक है. और दूसरी चीज है कि जो ग्वानीन होगा बेटा वो बॉन्ड करेगा हमेशा साइटोसिन के साथ. ओके बेटा, इनके इनके बीच में आपका डबल बॉन्ड होगा और ग्वानीन साइटोसिन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा. ये कुछ उसी तरह से है कि
कि जिस तरह से वैलेंसी सेटिस्फाइड करती हैं, तो आप इसको मान सकते हैं कि इसकी वैलेंसी प्लस थ्री है, इसकी वैलेंसी माइनस थ्री है, तो एक दूसरे को थ्री वैलेंसी से सेटिस्फाइड करेगा। इसकी वैलेंसी प्लस टू है, इसकी वैलेंसी माइनस टू है, तो एक दूसरे को डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई करेगा। कभी भी ये और ये आपस में सेटिस्फैक्शन नहीं कर सकते, आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि आप जानते होंगे कि इसको मान लीजिए टू इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके पास थ्री हैं, तो क्या ये आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात सुनिए बेटा सामिया, यू गॉट दिस बेटा? समझ में आया? समझ में आया बेटा? ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका डीएनए के बारे में, कि डीएनए एक डबल हेलिकल लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड में थ्री चीजें होती हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट आयन, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस बेटा टू टाइप की होती है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, प्यूरीन अगेन ऑफ टू टाइप, एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरिमिडीन ऑफ टू काइंड, थायमिन एंड साइटोसिन। ओके बेटा। सर। हाँ बेटा। कोई नहीं बेटा, ये रिकॉर्डेड हो रहा है पूरा, ये पूरा सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। अब जहाँ से देख रहे हो वहीं से अभी आप देखो इसको, ठीक है। हाँ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखते हैं बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये बोला जाता है डीएनए का वन हेलिक्स। ये जो लेंथ आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज व्हाट? वन हेलिक्स। इसको वन हेलिक्स बोलते हैं, जिसकी लेंथ होती है कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितनी लेंथ होती है बेटा? 34 एंगस्ट्रॉम। और जो यहां से लेकर के यहां तक एक बॉन्ड की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अंडरस्टूड बेटा? ये बहुत बेसिक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। मिस खुद देखिए, यहां से लेकर यहां तक के जो लेंथ आ रही है वो कितनी है बेटा? 34 एंगस्ट्रॉम। एक बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3.0 एंगस्ट्रॉम। तो आप खुद बता सकते हैं टोटल कितने स्टेप्स बन पाएंगे ये वाले? टोटल आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आप देखेंगे कि 34 अपॉन 3.4 डॉट से डॉट जीरो आया और कैंसिल आउट होकर कितना आया? 10। टोटल कितने बॉन्ड्स बनेंगे आपके यहाँ पर? 10 बनेंगे। कहते हैं अगर डायमीटर की बात की जाए तो इसका डायमीटर कितना होता है बेटा? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? हाँ बच्चा। हाँ बेटा, डायमीटर कहने का मतलब है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। जो हेलिक्स बना है एक्चुअली, उस हेलिक्स में एक सर्कल बनेगा बेटा, तो सर्कल का डायमीटर मीन्स, ये देखिए आप एक राउंड घूम रहा है ना, तो ऐसे करके ऐसे बनके एक सर्कल बनेगा आकर के, तो इस सर्कल में जो डायमीटर होगा वो बॉन्ड का ही डायमीटर तो होगा, बॉन्ड की लेंथ का। तो मीन्स बॉन्ड लेंथ अगर हम बात करें वो कितनी होगी? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बात समझ आई बेटा? ओके। और एक और छोटी चीज। हाँ बच्चा, डीएनए होता कहाँ पे सर? अभी अभी आएगा बेटा, मैं बताता हूँ कहाँ होता है डीएनए। अभी आप ये देखिए, ये जो बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से एंगल्स पे कुछ अटैच होते हैं। मीन्स अगर पहला बॉन्ड आपका ये है तो अगला बॉन्ड एक एंगल पे होगा, और वो एंगल कितना होता है बेटा? 36 डिग्री। इसीलिए 10th स्टेप के आने के बाद वो सेम पोजिशन पे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आप सर्कल करोगे तो 36 डिग्री इंटू 10 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जिस पोजीशन से शुरू होता है, मान लो ये ए पोजीशन से शुरू हुआ है, तो दोबारा ए पोजीशन यानी ए एक्सिस कब आएगा? कितने स्टेप्स पे आएगा? 10 स्टेप्स पे आएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई बेटा? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है डीएनए के बारे में। क्या क्या डीएनए के बारे में पढ़ा हम लोग ने? कि डीएनए एक डबल हेलिकल लॉन्ग चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हाँ बेटा, दोबारा। अच्छा ठीक है बेटा, बिल्कुल समझा दे रहा हूँ। एक चीज देखते हैं अपन लोग यहाँ पर। देखिए भाई, अगर सपोज करिए ये एक सर्कल है सामिया, ओके, ये एक सर्कल है, ये इसका क्या होगा? सेंटर। ये क्या होगा इसका? रेडियस। अगर ये एंगल 36 है बेटा, 36 है ना सामिया, दिख रहा है बेटा यहाँ पे?
ओके, तो आप खुद मुझे बताइए कितने और इसके पीसेस ऐड किए जाए या कितने और पीसेस में बनाया जाए कि एंगल 360 डिग्री हो जाए और यहां से शुरू किया हुआ कोई पोजीशन दोबारा इसी पोजीशन पर लौट आए। टेन से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसका मतलब अगर फर्स्ट स्टेप आपका ये है, फर्स्ट स्टेप मान लीजिए आपका ये है, तो अगला स्टेप इसका यहां से 36 डिग्री होगा, फिर 72 डिग्री, फिर 108 डिग्री, फिर 144 डिग्री, फिर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में अपनी पोजीशन के एग्जैक्टली कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? तो पांच स्टेप में आपका उसका रिवर्स पोजीशन हुआ, अगले पांच स्टेप में वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा ना। खुद देखिए बेटा, यहां से आप देख सकते हो कि ये बॉन्ड यहां से शुरू हुआ है इस जगह से और रिपीट हो करके वापस सेम पोजीशन पे यहां पे आ गया है। दिख रहा है? आप क्लियर हो गया बेटा? तो क्या डीएनए क्लियर हुआ आपको? ओके, अब मैं आगे शुरू करता हूं क्रोमोसोम। ठीक है, नाउ आई अगेन स्टार्टिंग क्रोमोसोम। पूछा जाता है बेटा क्रोमोसोम फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि डीएनए के एक स्ट्रैंड की जो लेंथ होती है बेटा वो होती है अप्रॉक्स 2 मीटर्स की। ठीक है, कितनी? 2 मीटर्स की। जबकि न्यूक्लियस का अगर साइज देखा जाए तो वो होता है 6 माइक्रोन का, यानी 6 माइक्रोमीटर का। तो यानी डीएनए बहुत बड़ा साइज है और न्यूक्लियस बहुत छोटा। कैसे इंसर्ट किया जाए? देखो, आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा डीएनए और कैसे इतने छोटे से न्यूक्लियस में जाएगा। इसके लिए डीएनए को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है। तो वो कंप्रेस कैसे होता है बेटा? वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपका डीएनए होता है बेटा। ठीक है, डीएनए क्या करता है आगे जाकर के? डीएनए कंबाइन करता है बेटा 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यस बेटा, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और इस कॉम्बिनेशन को एक नाम देते हैं, यस बेटा, क्या नाम देते हैं हम लोग इसको? न्यूक्लियोसोम। यस यस, न्यूक्लियोसोम। ये वन वन मार्क्स में आता है क्वेश्चन बेटा पूछने को। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, डीएनए प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ स्टोर प्रोटीन फॉर्म्स न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम की होती है कॉइलिंग। ठीक है, क्या होती है बेटा? कॉइलिंग। न्यूक्लियोसोम की होती है कॉइलिंग। जैसे आप देख रहे होगे ये आपका न्यूक्लियोसोम बन रहा है, दिख रहा है आपको डायग्राम पे? डायग्राम पे देखिए। ठीक है, फिर इसकी कॉइलिंग शुरू होती है। ठीक है, कॉइलिंग के बाद बेटा होती है इसकी सुपर कॉइलिंग और डेंस कॉइलिंग होगी। कॉइलिंग मतलब इस तरह से होना, ये दिस इज कॉइलिंग। फिर इसकी और सुपर कॉइलिंग होती है। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इसको? सुपर कॉइलिंग। और सुपर कॉइलिंग के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यस बेटा, क्या कहते हैं इसको हम? क्रोमैटिन फाइबर्स। ओके, क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग? क्रोमैटिन फाइबर्स। और यही क्रोमैटिन फाइबर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। तो डीएनए से क्रोमोसोम बनने की स्टेज ये होती है। तो इस स्टेज को हम कह सकते हैं डीएनए टू क्रोमोसोम। अंडरस्टूड बेटा? डीएनए टू क्रोमोसोम। कहते हैं बेटा क्रोमोसोम इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। देख, क्यों? क्योंकि जब सेल डिवीजन होगा बेटा तभी क्रोमैटिन फाइबर जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे। जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा तो ये फिर से वापस अनकॉइल्ड हो जाएंगे, किसमें आ जाएंगे? क्रोमैटिन फाइबर। तो परमानेंट स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा? बेटा यहां पर तो परमानेंट स्ट्रक्चर आपका कौन सा होगा? परमानेंट स्ट्रक्चर होगा आपका क्रोमैटिन फाइबर्स। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? ओके, अब अगर बात करते हैं बेटा यहां पर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। सामने समझ में आ रहा है बेटा? ओके शुभ, हैदर, समझ में आ रहा है बेटा? जय, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ओके,
क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्रोमोसोम इज जस्ट लाइक दिस शेप, ये जो गिवन है आपको, इसको थोड़ा ऊपर बनाइए, ये टेट्राड स्ट्रक्चर है बेटा, मैं इसकी लेबलिंग ऊपर करूंगा अरव, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो सेंट्रल पोजीशन है, इसको नाम देते हैं हम लोग सेंट्रोमेयर, यस बेटा सेंट्रोमेयर, और जो ये ब्रांच निकली है इसको नाम देते हैं हम लोग क्रोमैटिड्स, ठीक है, क्या नाम देते हैं बेटा, क्रोमैटिड्स। इसके अंदर ऐसे करके आपको कॉइल स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे, दिस कॉइल स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोनिमाटा, क्रोमोनिमाटा, एंड द आउटर कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज पेलिकल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, पेलिकल, क्या बोलते हैं इसको, पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। और बाद में यही स्ट्रक्चर जो है जब सेल डिवीजन होता है तो ये शेप ले लेता है, अंडरस्टूड बेटा, ये शेप ले लेता है, ओके okay? अच्छा, कुछ स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, अगर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की अगर बात करूं तो कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे भी होते हैं बेटा, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर बेटा, यस यस, तो कुछ इसमें स्ट्रक्चर ऐसा करके होता है, ये स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम होते हैं बेटा जिसमें अलग से स्ट्रक्चर आ जाता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इस तरह से क्रोमोसोम होता है बेटा, यस, एंड दिस स्ट्रक्चर बियरिंग क्रोमोसोम नोन एज सैट क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं बेटा, सैट क्रोमोसोम और सैटेलाइट क्रोमोसोम, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इट गिव राइज न्यूक्लियोलस, क्या फॉर्म करता है आगे जा करके, न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है, ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आया। ये हम लोग जर्नी पढ़ रहे हैं एक्चुअली, कैसे डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। तो पहले क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए आपने पूछा था डीएनए कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो डीएनए एग्जिस्ट करता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, कैसे, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड था डीएनए के नाम से, वो डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन से कंबाइन करके न्यूक्लियोसोम बनाया, न्यूक्लियोसोम की कॉइलिंग हुई, कॉइलिंग से सुपर कॉइलिंग हुई, सुपर कॉइलिंग से क्रोमैटिन फाइबर्स बने, क्रोमैटिन फाइबर्स से क्रोमोसोम बने, और आपको बताया मैंने कि क्रोमोसोम इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर एंड परमानेंट स्ट्रक्चर इज क्रोमैटिन फाइबर, यस बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की अगर बात करूं तो ये आपका जो शेप है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, ये जो बीच का सेंटर पार्ट है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, ये जो टू आर्म्स है इसको हम लोग क्रोमैटिड्स बोलते हैं, अंदर जो स्पाइरल दिख रहा है आपको ये क्रोमोनिमाटा बोलते हैं, आउटर कवरिंग पेलिकल होते हैं, और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है कि एक शेप मिले जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम होते हैं जिनको ये नाम देते हैं सैट क्रोमोसोम, ओके बेटा, ये समझ में आया आपको, मैं आगे प्रोसीड करूं इसको, एवरीवन बेटा हैव यू गॉट दिस, ओके ओके, यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा, डोंट वरी। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम के टाइप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्रोमोसोम्स के अगर टाइप की बात करूं तो क्रोमोसोम के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम के टाइप डिवाइड किए जाते हैं। लाइक अगर आप देखें क्रोमोसोम अगर बिल्कुल सेंटर में है, मिड पार्ट में है, देखो दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, अगर स्ट्रैंड के बिल्कुल मिड पार्ट में हो, दोनों आर्म इक्वल लेंथ की है, दोनों आर्म इक्वल लेंथ की है, देन क्रोमोसोम इज नोन एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ओके बेटा, सॉरी स्ट्रैंड मतलब ये पूरा डीएनए, ये स्ट्रैंड पूरा, दिस इज क्रोमोसोम, ओके, डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, स्ट्रैंड मतलब एक ब्रांच, एक आर्म की बात होती है स्ट्रैंड, ओके बेटा, यस। अगर इस पूरे क्रोमोसोम में ये सेंट्रोमियर बिल्कुल मिड में होगा द नेम विल बी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड, यस। अब मिड से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, ऊपर या नीचे दूसरी साइड जा सकता है,
एक आम थोड़ी छोटी हो गई और ये आम थोड़ी बड़ी हो गई, डिफरेंस दिख रहा है साइज में आपको? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर, अंडरस्टूड? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट हो गया लेकिन एंड पर नहीं पहुंचा है, जिसमें ये वाली आर्म बिल्कुल छोटी है और ये पूरी बड़ी आर्म है, तो इसको नाम देते हैं हम लोग एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अंडरस्टूड बेटा? क्या नाम देते हैं इसको हम? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर बेटा? ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर से आप देख लेंगे, यहां बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल मिड पे है, मिड से थोड़ा सा ऊपर गया तो सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा और ऊपर गया तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया, ऊपर की कोई आर्म नहीं है, देखो ऊपर कोई आर्म नहीं दिख रही है, केवल नीचे वाली आर्म दिख रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेलोसेंट्रिक। जो टेलो वर्ड होता है, टेलो मीन्स होता है एंड, एंड पे, लास्ट पे। अंडरस्टूड? टेलो मीन्स होता है एंड में, लास्ट में। ओके बेटा, ओके बेटा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, इसी को हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में? ठीक है, अगर फंक्शन वाइज बात करें कि फंक्शन वाइज क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात करें, तो हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहां पढ़ा बेटा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, लेकिन यहां पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्रोमोसोम टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लेते हैं ह्यूमन, एग्जाम्पल लिया हमने ह्यूमन, तो कितने क्रोमोसोम होते बेटा ह्यूमन में? 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर्स होते हैं। यस बेटा, 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स, 23 पेयर्स को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये बनता है 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई और एक्स एक्स। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है मेल का, ये कॉम्बिनेशन होता है फीमेल का। कहते हैं बेटा ये जो होता है पार्ट, ये एक्चुअली सेम होता है मेल और फीमेल में, तो जो सिमिलर होता है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाता है, चाहे हम मेल हो या फीमेल हो, तो उनको बोलते हैं हम ऑटोजोम। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? ऑटोजोम। लेकिन जो क्रोमोजोम हमारा जेंडर डिसाइड करता है, हमारा सेक्स डिसाइड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एलोजोम और सेक्स क्रोमोजोम। अभिजीत समझ में आ रहा है बेटा? अभिजीत आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आरोही, आदिति, अनन्या? यस बेटा। सर सोमैटिक मतलब क्या होता है? बेटा सोमैटिक वर्ड जो है लिया गया है सोमा यस से, सर। और सोमा उनका मतलब होता है बॉडी, सोमा का मतलब होता है बॉडी। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, बात समझ आए बेटा? नहीं सर। तो हम 22 P को सोमैटिक नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो आपके रेगुलर बॉडी जो फीचर्स होते हैं, सोमैटिक फीचर्स जो होते हैं, वो इससे बनते हैं, और जो जेनेटिक फीचर होते हैं या रिप्रोडक्टिव फीचर होते हैं, वो इससे बनते हैं। ओके, ओके सर। क्रोमोसोम बढ़ता रहता है जनरेशन टू जनरेशन? क्रोमोसोम बढ़ता रहता है जनरेशन टू जनरेशन? नहीं, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहती है, क्रोमोसोम नंबर हमेशा कांस्टेंट रहती है किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, ना ये कभी बढ़ती है ना रिड्यूस होती है, ना एक्सटेंड करती है ना रिड्यूस होती है, ये नंबर कांस्टेंट होती है। ठीक है बेटा, और इसका अगर फंक्शन की बात करें तो क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, यस बेटा, इन द फॉर्म ऑफ जीन। ओके बेटा,
आपने क्या लिखा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन, क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन। ओके बेटा सर, इसकी जगह लिखें कैरी हेरेडिटिकल। बेटा जेनेटिक हेरेडिटी वर्ड एक ही है ना, अभी चैप्टर पढ़ोगे जेनेटिक उसमें बताऊंगा जेनेटिक और हेरेडिटी वर्ड में डिफरेंस क्या है, ठीक है, अंडरस्टूड, सेम है वैसे दोनों। हाँ बच्चा बताइए सर, इनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन्स का क्या होता है? इनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन्स कहने का मतलब है कि जो ये आगे जीन होते हैं बेटा, ये जाकर के स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं और इन्हीं प्रोटीन से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बनते हैं और यही कैरेक्टर्स आपके बॉडी में जाके कोई स्पेसिफिक फीचर बनाते हैं, चाहे वो हाइट का हो, स्किन कलर का हो, बिहेवियर का हो, कुछ भी हो। तो ये एग्जैक्टली रिलेटेड है किससे, जीन से। अंडरस्टूड बेटा, जीन फॉर्म्स प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्म्स कैरेक्टर एंड कैरेक्टर्स फॉर्म फीचर्स। ओके यस सर। ओके बेटा क्लियर है इतना? यस सर। समझ में आया बेटा आपको क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन? समझ में आया बेटा सबको? सामिया समझ में आया बेटा? यस सर।